मॉर्निंग गाइस, आज करेंगे मैप्स के ऊपर टॉपिक। मैप्स में कौन क्या क्या है, कैसे कैसे कौन से डायरेक्शन में क्या है, वो आज देखेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को कहा जाता है लैंड ऑफ लेक्स। लैंड ऑफ लेक्स मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लेक्स कहाँ पे फाउंड आउट होता है, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो और भी बोल सकते हैं आप, अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इसको बोला जाएगा इंदिरा कुल। तो आप कैसे याद रखोगे, इंदिरा कुल जम्मू कश्मीर में ठंडा होता है, तो कुल कुल यहाँ पे जम्मू कश्मीर कुल ठंडा के लिए। ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब अगर क्वेश्चन में आएगा सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे कन्याकुमारी है, राइट। नेक्स्ट है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, सनराइज पॉइंट। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया किबिथू पॉइंट, राइट। नेक्स्ट वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, गुजरात है। गुजरात है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, गौर माथा, राइट। अगर ये हो गया सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट आपका कौन सा है, सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में, राइट। राजस्थान माउंट आबू में क्या है, वहां पे सबसे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसको कहा जाता है आरावली रेंज। कहां पे, यहाँ पे राजस्थान माउंट आबू में। और क्वेश्चन में पूछता है कि आरावली रेंज का सबसे पीक पॉइंट कौन सा है, आरावली रेंज का पीक पॉइंट कौन सा है, गुरु सीकर, जो कि राजस्थान में है, राइट। अब देखेंगे व्हाट इज द व्हाट आर द सेवन सिस्टर स्टेट्स। सेवन सिस्टर स्टेट्स क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे जितने ये जो स्टेट्स हैं, ये हो गया आपका सेवन सिस्टर स्टेट एक्सेप्ट सिक्किम को छोड़ के। तो आप कैसे याद रखोगे, डबल ए ट्रिपल एम एन टी, डबल ए तो ए ए क्या हो गया, ए हो गया अरुणाचल प्रदेश आसाम, डबल ए। ट्रिपल एम क्या है, मेघालय मिजोरम मणिपुर, राइट। और एन टी, एन फॉर नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये हो गया सेवन सिस्टर स्टेट्स। एंड वन ब्रदर, ब्रदर स्टेट कौन सा हो गया, सिक्किम, ये अलग है क्योंकि उसके अंदर वेस्ट बंगाल चला गया है, ठीक है। ये हो गया सेवन सिस्टर स्टेट्स। सिटी ऑफ जॉय, जैसे कि रेलवे में क्वेश्चन में आया था, सिटी ऑफ जॉय किसको कहा जाता है, कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है, राइट। अब देखेंगे इसमें वेयर इज द गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ ये जो गुजरात का सबसे बड़ा, क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, राइट। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, मन्नार, मन्नार है तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन आएगा मुन्नार कहाँ पे है, मुन्नार, मुन्नार अलग है, मन्नार अलग है, गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये हो गया तमिलनाडु। मुन्नार कहाँ पे है, केरला में, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वहां पे टी गार्डन के लिए फेमस है, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में फेमस पारादीप पोर्ट है यहाँ पे, और क्या क्या है, अब मुझे बताएं वेयर इज द सिमिलपाल नेशनल पार्क। सिमिलपाल नेशनल पार्क कहाँ पे, उड़ीसा में है। नंदन कानन कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बालीमेला नेशनल पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है, राइट। वेयर इज द इंद्रावती डैम, अब मुझे बताएं इंद्रावती डैम कहाँ पे है, उड़ीसा में है। अगर पूछेगा इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कहाँ पे होगा, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिए इंद्रावती डैम उड़ीसा में, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। अब मुझे बताइए वेयर इज द सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, जब नेशनल पार्क का क्लासेस किया गया था उसमें था ये वाला, तो नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है। वेयर इज द सलीम अली बार्ड सेंचुरी, उसका जो बार्ड सेंचुरी कहाँ पे है, यहाँ पे गोवा में। गोवा कहाँ पे है, ये छोटा सा जो स्टेट है, ठीक है, राइट।
अब मैं पूछूंगी गोवा का, वेयर इज द गोवा का कैपिटल कौन सा है? गोवा का कैपिटल पांजी है। अब देखेंगे वेयर इज द, अब उड़ीसा का याद हो गया। अब मुझे बताइए गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे बहुत सारा जैसे कि अंडमान यहाँ पे है, ये वाला अंडमान, अंडमान में 10 डिग्री नेशनल, जो 10 डिग्री चैनल है इसको सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। और हमारे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, इसको याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा स्टेट को क्रॉस करके गया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है ना, ये 23 हाफ डिग्री नॉर्थ है। ये जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब का बीच वाला पार्ट को बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। नॉर्थ साइड में हमारा इंडिया नॉर्थ साइड में है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है जो कि 23 हाफ डिग्री नॉर्थ है। तो देखेंगे कौन से स्टेट को क्रॉस करके गया है। तो देखिए पहले शुरू के यहाँ पे गुजरात, गुजरात पहला स्टेट है गुजरात, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट मध्य प्रदेश, नेक्स्ट छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा मिजोरम सॉरी। तो ये जो स्टेट है ये 23 हाफ डिग्री। और एक बार देख लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 23 हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में क्रॉस करके गया है, राइट? तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अब 10 डिग्री चैनल किसको क्रॉस करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। अब मुझे बताइए 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, इधर है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। 8 डिग्री चैनल किसको क्रॉस करता है? लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, एक कंट्री को, मालदीव्स एक कंट्री है, 8 डिग्री चैनल उसको सेपरेट करता है, राइट? ये हो गया, इस साइड हो गया आपका बे ऑफ बंगाल है, इस साइड है, नीचे है इंडियन ओशन, लेफ्ट साइड है अरबियन सी। क्वेश्चन पूछा था कि लक्षद्वीप कौन से सी में है, कौन से ओशन में है? लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरबियन ओशन में है, अरबियन सी बोल सकते हैं, राइट? नीचे है इंडियन ओशन जिसमें यहाँ पे श्रीलंका है, राइट? तो ये सारा ओवरऑल ऐसा कुछ कुछ बताया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस आज के लिए बस इतना। थैंक यू।